चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज मेरा लेक्चर का टॉपिक है बाउंड्री लेयर थिकनेस। बाउंड्री लेयर थिकनेस कितने तरह की होती है? बाउंड्री लेयर थिकनेस तीन तरह की होती है। एक होती है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस। लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ आपसे कि बाउंड्री लेयर क्यों फॉर्म होती है। तो उसके आगे का क्वेश्चन है कि बाउंड्री लेयर थिकनेस कितने तरह की होती है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको कि अगर मान ली एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर कोई भी फ्लूड अगर हमारा फ्लो कर रहा है, प्लेट के अगर एक फ्लूड हमारा फ्लो कर रहा है ये हमारा प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर हमारा फ्लूड अगर फ्लो कर रहा है, किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है? कैपिटल यू वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, यानी कि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। यानी इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो ओवर द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। अब पता क्या है, जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होती है ये हमारी जो है जब प्लेट के ऊपर फ्लो करती है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक वो वेलोसिटी जो कि फ्री स्ट्रीम के बराबर होती है और एक वो वेलोसिटी जो फ्री स्ट्रीम से कम होती है। ये जो बाउंड्री ये लेयर होती है, ये लेयर डिसाइड करती है कि कितनी डिस्टेंस पे प्लेट से फ्लूइड की वेलोसिटी अपनी एक्चुअल वेलोसिटी से फ्लो कर रही है और कितने रेंज में फ्लूइड की वेलोसिटी अपनी कम वेलोसिटी से फ्लो कर रही है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं फ्लूइड की वेलोसिटी रेंज बढ़ती चली जाती है। ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को हम लोग कहते हैं लीडिंग एज। दिस इज कॉल्ड द लीडिंग एज। इसको कहते हैं ए पॉइंट इज कॉल्ड लीडिंग एज। लीडिंग एज कहते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ऑफ प्लेट इट्स कॉल्ड और ट्रेलिंग एज। ट्रेलिंग एज कहते हैं। यानी फ्लूइड की जो ये बाउंड्री या थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है ये लीडिंग टू ट्रेलिंग एज जो है बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती चली जाती है? इसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ता है इसका फ्रिक्शन इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। फ्रिक्शन इफेक्ट क्यों बढ़ता चला जाता है? क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा फ्रिक्शन जो है बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा फ्लूइड को अपनी एक्चुअल वेलोसिटी से पहुंचने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे थिकनेस ऑलमोस्ट जीरो है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वर्टिकल डिस्टेंस में इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जा रही है। यानी कि फ्लूइड को अपनी वेलोसिटी तक आने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का लॉस करना पड़ रहा है। तो इसको ये जो लेयर है, ये जो लाइन खींची हुई है, इस लाइन के ऊपर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो एक्चुअल वेलोसिटी है और इस लेयर के नीचे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो अपनी वेलोसिटी से कम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लूइड हमारा एक्चुअल फ्लो कर रहा है इस लाइन के नीचे जो इसका मास फ्लो रेट है वो कम होगा और इस लाइन के ऊपर मास फ्लो रेट ज्यादा होगा। या हम ये कहें कि अगर ये प्लेट नहीं है, अगर ये प्लेट नहीं है तो फ्लूइड हमारा किस वेलोसिटी पे फ्लो कर रहा होगा? यू वेलोसिटी पे फ्लो कर रहा होगा। अगर यू वेलोसिटी पे फ्लो कर रहा होगा तो हमारा मास फ्लो रेट कितना होगा? व्हेन देयर इज नो प्लेट, देयर इज नो प्लेट हमारा एक्चुअल मास फ्लो रेट होगा डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी, है ना? इसका मतलब इस लाइन के ऊपर मास फ्लो रेट इतना होगा और इस लाइन के नीचे जो मास फ्लो रेट होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी कम है। तो हमें ये निकालना है आके कि अगर हम
अगर कितना मास कम है इस रीजन में, इस रीजन में कितना मास कम फ्लो करता है, किससे, रो एयू से कितना कम फ्लो कर रहा है, या जितना कम फ्लो कर रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए इस लाइन को हम कितना आगे बढ़ाएं, किस लाइन को कितना आगे बढ़ाएं, यानी मास को कंपनसेट करने के लिए कितना इस लाइन को आगे बढ़ाएं, इस लाइन को कितना आगे बढ़ाएं, या हम कह सकते हैं कि इस प्लेट कितना नीचे शिफ्ट करें, बात एक ही है, कितना प्लेट को शिफ्ट करें या इस लाइन को कितना ऊपर बढ़ाएं। इस प्लेट को अगर नीचे शिफ्ट करेंगे तब क्या होगा, यानी कि फ्लूइड इतने रीजन में यू वेलोसिटी से ही फ्लो कर रहा होगा, या इस लाइन को ऊपर शिफ्ट करें इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन के ऊपर एक्चुअल फ्लूइड जो है यू वेलोसिटी से ही फ्लो कर रहा होगा। तो इस तरह से जो है हम तीन तरह की थिकनेस निकालेंगे। अगर हमें मास थिकनेस निकालना है, मास फ्लो को कंपनसेट करना है, तो हम इस लाइन को कितना शिफ्ट करें या इस प्लेट को नीचे कितना शिफ्ट करें। अगर मोमेंटम को हमें कंपनसेट करना है तो हम इस लाइन को कितना शिफ्ट करें या इस प्लेट को नीचे शिफ्ट करें। एनर्जी थिकनेस को निकालना है तब हम इस लाइन कितना ऊपर शिफ्ट करें या इस प्लेट को कितना नीचे शिफ्ट करें। तो तीनों के केस में जितना हमें शिफ्ट करना है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसी के रिस्पेक्ट में ये हम इसको मास थिकनेस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस या एनर्जी थिकनेस का नाम देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सबसे पहले हम निकालेंगे मास थिकनेस निकालेंगे, तो मास थिकनेस हम कैसे निकालते हैं, मास प्लेट थिकनेस कैसे निकालते हैं, तो मास प्लेट थिकनेस निकालते हैं इसको हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस भी कहते हैं। यानी कि प्लेट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना शिफ्ट करें कि हमारा मास पूरे कंपनसेट हो जाए, इसको हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहते हैं। अब यहाँ पर रिज्यूम कर लेते हैं कि सपोज बी जो है ये हमारी प्लेट की विड्थ है। विड्थ का मतलब क्या होता है, प्लेट का मतलब ये होता है कि जो हमारी प्लेट है, ये प्लेट हमारी कुछ इस तरह की होगी, ऐसे करके ये प्लेट होगी, ऐसे करके ये प्लेट है, ये ऐसे करके हमारी प्लेट होगी, ऐसे करके। तो ये जो बी है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम ये बी है, ये बी हमें नहीं शो कर रही है, हमें केवल ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन जो हमने आपको डैश जो दिखाया है, ये लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन हमको जो दिखाई दे रही है, बी वाला पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। यू कैन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट एलिवेटेड स्टेप, कहने का मतलब ये है कि हमने ये मान लिया है कि जो हमारी प्लेट है ये इस, हमें ये निकालना है कि इस लाइन से इस लाइन तक, यानी ये मान लो कि क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने, इस क्रॉस सेक्शन में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में कितना फ्लूइड का मास फ्लो कर रहा है। मैंने क्या किया कि वाई डिस्टेंस पे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम से, अगर मैं डायग्राम से आपको दिखाऊं, ये हमने एक स्ट्रिप ले ली है, तो ये निकलिया कि वाई डिस्टेंस पे हमने एक स्ट्रिप ले ली है, ये स्ट्रिप है की थिकनेस कितनी डी वाई है, ये डी वाई थिकनेस है, डी वाई इसकी थिकनेस रखी मैंने, ये यू वेलोसिटी से हमारा फ्लूइड आगे बढ़ रहा है, स्मॉल यू वेलोसिटी से, जिस वजह से स्मॉल यू, ये हमारा कैपिटल यू, दोनों फर्क है, स्मॉल यू ये कैपिटल यू। अब हम ये निकाल लेंगे कि ये जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, इसकी जो थिकनेस, इसकी जो पूरी की पूरी जो इसकी थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये कितनी डेल्टा है, ये डेल्टा है, ये जो थिकनेस ही देखता है, तो मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये जो थिकनेस है ये थिकनेस कितनी डेल्टा है, जिसे डेल्टा थिकनेस, ठीक है ना। तो अब मैं ये निकाल, ये दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री लेयर थिकनेस, दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो अब मैं ये निकालता हूँ कि मतलब इस यहाँ पर कितना टोटल मास फ्लो कर रहा है, कितना मास फ्लो कर रहा होगा, ये अगर हम आगे देखें तो कैसे निकालेंगे इसको, मास फ्लो रेट इस रीजन में कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, देखिए कैसे निकालेंगे, आपका एरिया प्लेट कितना, बी बी वाई, डी वाई क्या है, उसकी चौड़ाई है, बी क्या है, प्लेट की लंबाई है, और यू क्या है, लोकल वेलोसिटी है, जैसे मैंने भी आपको बताया था, मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बना करके, कि ये जो प्लेट है हमारे पास, इस प्लेट, ये प्लेट है, ये इसकी जो है, ये क्या हो गया, ये इसकी डी वाई, ये डी वाई
ये क्या होगा डी वाई, इसकी डी वाई जो थिकनेस हो गई है और प्लेट की चौड़ाई कितनी बी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो बी इंटू डी वाई इसका एरिया हो गया और यू वेलोसिटी से प्लेट हमारी आगे बढ़ रही है ये क्या हो गया डी डी वाई एरिया हो गया, यू क्या इसकी वेलोसिटी हो गई और रो क्या हो गई डेंसिटी हो गई, मास फ्लो रेट आ गया रो यू बी डी वाई, ये पहली इक्वेशन है। अब अगर मान लो हम प्लेट हटा दें, अगर ये प्लेट हटा देंगे हम तो क्या होगा, फ्लूड हमारी जो है फ्लूड हमारा यू वेलोसिटी से ही फ्लो करेगा, अब कितना फ्लो करना चाहिए, अब कितना फ्लो करना चाहिए रो यू बी डी वाई फ्लो करना चाहिए, यानी कि डी वाई, यानी कि हम ये कहने मतलब है कि इस डी वाई थिकनेस, ये डी वाई थिकनेस अगर हम कोई ले लें तो इस डी वाई थिकनेस के थ्रू फ्लूड किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा होगा, कैपिटल यू से फ्लो कर रहा होगा, यहाँ कितना फ्लो इस फ्लूड से फ्लो करता है यू वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है क्योंकि प्लेट है, अगर प्लेट नहीं है तभी डी वाई थिकनेस जो है किस वेलोसिटी से फ्लो कर रही करेगी, कैपिटल यू से फ्लो करेगी, इसका वाला मास फ्लो रेट कितना होगा डी इंटू डी वाई रो यू, ये मास फ्लो रेट होगा, तो यहाँ पे मास फ्लो रेट ज्यादा है तो यहाँ मास फ्लो रेट सॉरी यहाँ मास फ्लो रेट कम है, ये मास फ्लो रेट ज्यादा है, क्यों ज्यादा है क्योंकि कैपिटल यू स्मॉल यू से बड़ा है, मतलब प्लेट अगर हम रखते हैं तो मास फ्लो रेट क्या होता है कम हो जाता है, तो कितना कम हो जाता है हम एक वन माइनस टू ये दोनों इक्वेशन आपको से माइनस कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि मास फ्लो रेट हमारा कितना कम हो जा रहा है, तो क्या होगा जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा जब हम माइनस करेंगे वन माइनस टू करेंगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास रो यू बी डी वाई माइनस, यहाँ पे एक को थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ पे मैं करेक्शन आपको कर देता हूँ, यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे जो है एम नहीं होगा, यहाँ पे रो होना चाहिए, गलत लिख दिया है इसको सही कर देंगे रो होगा, ये रो होगा ठीक है ना, तो रो यू बी डी वाई माइनस रो यू बी वाई, हमने क्या किया रो बी कॉमन ले लिया, ये बी रो रो और बी ये हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया हमारे पास कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू इनटू डी वाई, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में है हमारे पास। अब यानी कि अगर हमारी बाउंड्री लेयर की थिकनेस डेल्टा है तो टोटल कितना मास फ्लो रेट रिड्यूस हो रहा है, क्यों यानी कि अगर हमने क्या माना था, तो माना था कि यहाँ पे जो हमने ये स्ट्रिप ली थी, ये स्ट्रिप पे रखी मैंने, इस स्ट्रिप की इसकी जो थिकनेस है बाउंड्री लेयर कितनी है, ये डेल्टा है, तो अब मास फ्लो रेट इस पूरे पूरे डेल्टा से कितना रिड्यूस हो रहा है, तो हमने क्या किया इसको इंटीग्रेट कर दिया, या टोटल रिडक्शन इन मास फ्लो रेट थ्रू दिस बाउंड्री लेयर थिकनेस, तो हमने क्या किया जीरो को डेल्टा से हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आगे क्वेश्चन रो पी जीरो को डेल्टा कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू डी वाई। अब अगर हम मान के चले कि अगर हमने प्लेट को डेल्टा डैश शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ, इसको इतना शिफ्ट कर दिया है, तो अगर इतना शिफ्ट कर दिया है तो क्या होगा, तो मास फ्लो रेट तो फ्लो रेट कितना हो जाएगा रो यू डेल्टा डैश, ये हो गया आपके पास, ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास एरिया, ये वेलोसिटी जीरो, तो टोटल मास फ्लो रेट कितना होगा, यानी प्लेट को अगर हमने डेल्टा डैश शिफ्ट कर दिया ऊपर का, प्लेट को मैंने क्या किया डेल्टा डैश शिफ्ट कर दिया, ये शिफ्ट कर दिया इतना, हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया इसको, तो उस केस में अगर हमने इसको शिफ्ट कर दिया तो यहाँ फ्लूड की वेलोसिटी वो कैपिटल यू होगी, ठीक है ना, तो प्लेट का एरिया कितना हो गया डेल्टा डैश बी, वेलोसिटी कितनी हुई कैपिटल यू, डेंसिटी कितनी हुई बी, इसका ये दोनों इक्वेशन क्या हुई आपस में सेम होंगे, ये दोनों इक्वेशन आपस में सिमिलर होंगे, तो मैंने क्या किया इन दोनों क्वेश्चन को आपस में सिमिलर बना दिया, इस क्वेश्चन के लिए इक्वल, तो क्या होगा आपके पास ये दोनों क्वेश्चन इक्वल हो गए, तो क्या हो गए यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल हो गए, अब इक्वल करने क्या किया डेल्टा डैश को यहाँ लगा लिया वन बाई यू जीरो टू डेल्टा कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू डी वन, इसको सॉल्व कर लिया तो डेल्टा स्टार इक्वल टू हो गया जीरो डेल्टा वन माइनस स्मॉल यू बाई कैपिटल यू टू डी वाई, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, यानी प्लेट को अगर हम इतना शिफ्ट कर दें नीचे की तरफ शिफ्ट कर दें या लेयर को हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें
यानी कि कहने का मतलब है कि हम बाउंड्री लेयर को, यानी कि बाउंड्री लेयर को अगर हम ये बन रही है बाउंड्री लेयर, ये बाउंड्री लेयर बन रही है, या तो इसको हम शिफ्ट कर दें, कितनी शिफ्ट कर दें डेल्टा डैश, या हम इसको नीचे शिफ्ट कर दें, कितनी शिफ्ट कर दें डेल्टा डैश, दोनों से कोई भी एक को शिफ्ट कर दें, चाहे वेट को नीचे शिफ्ट करें चाहे इसको ऊपर शिफ्ट करें, तो हम मास को वेट को कंपनसेट कर सकते हैं। इस तरह से जो हम डिस्प्लेस को थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कितना हमने इसको डिस्प्लेस किया है मास को कंपनसेट करने के लिए। तो ये इस तरह से जो है हम डिस्प्लेस को कितना निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे मोमेंटम थिकनेस का। मोमेंटम थिकनेस क्या मतलब होता है कि प्लेट को कितना या बाउंड्री लेयर को कितना हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट करें कि हमारा मोमेंटम कंपनसेट हो, हमारा मोमेंटम कंपनसेट हो जाए। यहाँ पे हम मोमेंटम को जो डिफाइन करेंगे वो थीटा से डिफाइन करेंगे, थीटा से कितनी हम लेयर को शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज डिफाइंड बाय थीटा। कहीं कहीं पर थीटा स्टार से किया, डबल स्टार से किया जाता है, ये डिपेंड करता है अपने भी किताब के ऊपर, लेकिन मैंने इसको फिलहाल यहाँ पे थीटा से कैलकुलेट किया है। तो अब वही अगर हम स्ट्रिप लें, अगर हम पहले वाली क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करें तो हम देखेंगे कि यही हमारी थिकनेस है और ये हमने ले ली है बाउंड्री लेयर थिकनेस है ये, और ये हमारी जो है ये हमारी जो वाई डी वाई की थिकनेस है, ये डी वाई की थिकनेस है, ये स्मॉल यू वेलोसिटी से चल रही है, स्मॉल यू वेलोसिटी से फ्लूइड आ रहा है हमारे पास कैपिटल यू से, ये लेयर जा रही है हमारे पास स्मॉल यू वेलोसिटी जा रही है। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, कितना होगा मोमेंटम, ये मोमेंटम होगा, ये होगा रो यू बी डी वाई, जैसे था मास इनटू यू, क्या होगा मोमेंटम हो गया, तो ये मास हो गया, इस मास को यू से मल्टीप्लाई किया तो मोमेंटम आ गया। अब अगर यही मास, अगर प्लेट नहीं होती है, प्लेट प्रेजेंट नहीं है, तब ये मास हमारा किस वेलोसिटी से जाएगा, तब हम कैपिटल यू से जा चल रहा होगा, वही मास। अगर प्लेट है तो यू वेलोसिटी से जा रहा है, प्लेट नहीं होगी तो कैपिटल यू से जा रहा होगा, इसका मतलब कितना मास का रिडक्शन हुआ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेट, यानी प्लेट की होने की वजह से मास का कितना रिडक्शन हो गया। तो कितना मास रिडक्शन हो गया, दोनों को हमने माइनस कर दिया, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपका रो यू बी डी वाई कैपिटल यू माइनस यू। इसका मतलब क्या हुआ, कितने मास का, कितना मास का टोटल रिडक्शन हो रहा है, तो भाई जितनी बाउंड्री लगी थिकनेस बन रही होगी उतना रिडक्शन हो रहा होगा। तो इस तो थिकनेस की है थीटा है, तो मैंने थीटा से इसको इंटीग्रेट कर दिया, इस क्वेश्चन को थीटा के तरफ इंटीग्रेट कर दिया, टोटल मास का कितना रिडक्शन हो रहा है ये मेरे पास यहाँ से आए, कितना रिडक्शन हो रहा है, कितना रिडक्शन हो रहा है मास का, तो ये मैंने ऐसे में इसको कैलकुलेट कर दिया रिडक्शन होकर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब दूसरे वर्ड से हम कहें कि हम प्लेट को अगर हम थीटा शिफ्ट कर दें, कहाँ थीटा कर कैसे कर दें, हम प्लेट को जो है थीटा शिफ्ट कर दें, कहाँ शिफ्ट कर दें, या नीचे की तरफ थीटा शिफ्ट करें या प्लेट को ऊपर शिफ्ट करें थीटा, जिससे कि ये जो कंपनसेशन है हमारा वो इसके बराबर हो जाए। तो अगर थीटा शिफ्ट करेंगे प्लेट को तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, थीटा इंटू बी, और वो इसके ऊपर की वेलोसिटी कितनी होगी कैपिटल यू, डेंसिटी इसकी रो है, तो ये तो हो गया मास। और वो किस वेलोसिटी से चल रहा होगा, लिक्विड किस डायरेक्शन में, कैपिटल यू से चल रहा होगा, कितना हो जाएगा डेल्टा थीटा बी यू स्क्वायर। अब इसको मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगे, फिर हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, दिस इक्वेशन शुड बी इक्वल, तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो अगर इन दोनों को हमने बराबर कर दिया तो क्या हो गया हमारे पास, क्या आएगा, इन दोनों को बराबर करने पे क्या होगा, इन दोनों को हमने बराबर कर दिया तो क्या आ गया, थीटा यू स्क्वायर इक्वल टू जी एक्स डेल्टा यू कैपिटल यू डी, स्मॉल थीटा इज इक्वल टू
बेसिक उसको जस्ट मैनिपुलेट करना चाहिए। हमने क्या किया, ये जो u कैपिटल u माइनस u dy है, इसमें u स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया नीचे, तो क्या बचेगा हमारे पास स्मॉल u, सॉरी थीटा u स्क्वायर, ये इक्वेशन है थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ 1/u स्क्वायर जीरो टू डेल्टा u कैपिटल u माइनस स्मॉल u dy। फिर मैंने क्या किया इसको, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया u कैपिटल u माइनस u स्क्वायर dy, तो u कैपिटल u माइनस u स्क्वायर dy और कैपिटल u स्क्वायर हो गया इक्वल टू जीरो टू डेल्टा। मैंने क्या किया, ये कैपिटल u से कैपिटल u कट गया, तो स्मॉल u बाई कैपिटल u माइनस स्मॉल u बाई कैपिटल u का होल स्क्वायर इनटू dy, ये आ गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, जीरो डेल्टा u बाई u वन माइनस u बाई u स्क्वायर dy, ये इसका जो है फॉर्मूला हमने कॉमन ले लिया, कॉमन निकाल के ये वाली इक्वेशन है। इस तरह से हम मूवमेंट ऑफ थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह से हमने अभी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कैलकुलेट करी है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कैसे निकालते हैं, मास को कंपनसेट करते हैं, मोमेंटम थिकनेस क्या करते हैं, मूवमेंट को मोमेंटम जिसे हिंदी में संवेग भी कहते हैं उसको हम लोग कंपनसेट करते हैं। इसी तरह से हम लोग एनर्जी थिकनेस निकाल देते हैं। तो एनर्जी थिकनेस से हम किसको कंपनसेट करेंगे, एनर्जी थिकनेस से एनर्जी को कंपनसेट करेंगे, कितनी एनर्जी का लॉस हमारा हो रहा है उसको हम लोग प्लेट को शिफ्ट करके कितना कंपनसेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन देखिए उनको यही है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा डबल स्टार से डिनोट करते हैं, डेल्टा डबल स्टार से क्या लिखा हुआ है, इट डिफाइन है डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ सॉलिड बॉडी। यानी इसको मैं अगर एक अपनी भाषा में समझाता हूँ क्योंकि ये तो किताबी भाषा है, बिल्कुल सेम है कि ये लेयर है, ये फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, इस प्लेट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे की तरफ कितना शिफ्ट करें या बाउंड्री लेयर को ऊपर से कितना शिफ्ट करें जिससे कि हमारे पास एनर्जी के कंपनसेशन को हम लोग कर सके। तो एनर्जी जो लॉस हो रही है उसका हमें कंपनसेशन करना है, कैसे करना है, हम नीचे कितना शिफ्ट करें या लेयर को ऊपर कितना शिफ्ट करें या प्लेट को नीचे कितना शिफ्ट करें। तो यहाँ पे क्या है, मास कितना आ रहा है, 2ub/dy, ये आ रहा है फ्लूइड का मास, u क्या आ रही है फ्लूइड की वेलोसिटी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ ub/dy का u स्क्वायर, ये आ रही है फ्लूइड की वेलोसिटी। इसी तरह से जो है हम लोग अगर प्लेट है तो जो मास है हमारा वो ub/dy, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एमवी स्क्वायर। अगर प्लेट नहीं है, अगर प्लेट नहीं है हमारे पास, तब जो है ये रो यू बी डी वाई जो है हमारे पास, ये जो रो यू बी डी वाई है, ये अगर प्लेट नहीं है तब किस वेलोसिटी से चल रहा होगा, वो कैपिटल यू वेलोसिटी से मूव करेगा, इसको ना काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, स्मॉल यू की जगह कैपिटल यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये काइनेटिक एनर्जी कब है, जब प्लेट है, ये काइनेटिक एनर्जी कब है, जब प्लेट नहीं है, तो दोनों को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, ये आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दिया। फिर उस बाउंड्री की जो लेयर बन रही है इसकी थिकनेस है डेल्टा, तो टोटल एनर्जी का कितना लॉस हो रहा है प्लेट होने की वजह से, हमने इसको जीरो डेल्टा पे इंटीग्रेट कर दिया, कितना लॉस हुआ है, ठीक है ना, इंटीग्रेट कर दिया मैंने, इंटीग्रेट करके ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, हाफ रो बी एक तो कॉमन आता है, इसको मैंने बाहर ले लिया, बाकी सबको अंदर। इसके बाद क्या किया मैंने, इसके बाद क्या किया है, प्लेट को मैंने मान के चला मैंने कि डेल्टा डबल स्टार, मैंने इसको ऊपर तक शिफ्ट कर दिया, तो उसका एरिया कितना आ गया, ये उसका एरिया आ गया b इंटू डेल्टा डबल स्टार, वो किस वेलोसिटी चलेगा, u वेलोसिटी चलेगा, कैपिटल u चलेगा, क्यों, क्योंकि लेयर के ऊपर या प्लेट के नीचे ये फ्लूइड की वेलोसिटी वो कैपिटल u ही है,
टोटल क्राइटेरिया जी कितनी हुई, हाफ रू बी डेल्टा डबल स्टार कैपिटल यू यू स्क्वायर। अब हमने जो पहले वाली जो क्वेश्चन निकाली थी ये वाली, कितना रिड्यूस हो रहा है मास, और प्लेट को नीचे करके या बाउंड्री लेयर को ऊपर बढ़ा करके हमने कितना कंपनसेट किया, इतना कंपनसेट किया, दोनों को बराबर कर दिया, तो दोनों इक्वेशन मैंने बराबर कर दिया, तो दोनों इक्वेशन बराबर कर दिया तो क्या है, हाफ रो भी हाफ रो भी कट गया, डेल्टा डबल स्टार वन बाई यू क्यूब आ गया, डेल्टा डबल स्टार इस इक्वेशन में नीचे आ गया यू क्यूब डी बाई आ गया, फिर इसको आप सॉल्व करो इस इक्वेशन को, यू विल गेट दिस इक्वेशन, आपको ये वाली क्वेश्चन मिल जाएगी स्मॉल यू बाई कैपिटल यू ब्रैकेट में वन माइनस यू स्क्वायर बोले कैपिटल यू का होल स्क्वायर 45। इस तरह से हम एनर्जी थिकनेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि किस तरह से बाउंड्री लेयर थिकनेस कैलकुलेट की जाती है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस। एनर्जी थिकनेस एनर्जी को कंपनसेट करते हैं, मोमेंटम थिकनेस मोमेंट को कंपनसेट करते हैं, और मास थिकनेस डिस्प्लेसमेंट थिकनेस से मास को कंपनसेट करते हैं। तो ये तीनों में से एक डेरिवेशन हमेशा एग्जाम में आता है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उससे जो है मेल के थ्रू आपको पूछ सकते हैं, आप इसको ढंग से करिएगा, इसको समझिएगा, इसको मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने के लिए, फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप उससे पर्सनल जो है मुझे मेल का पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ये लेक्चर आपके अंदर समाप्त होता है। थैंक यू।